हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो आप देख रहे हो फ्रेंड्स, ये हैबेल्स कंपनी का सीलिंग फैन है, ठीक है। और इसका जो प्रॉब्लम है, ये घूम नहीं रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। और इसका आप वायर देख रहे हो फ्रेंड्स, इसका वायर का जो कलर है ये बिल्कुल अलग है। हैबेल्स कंपनी में इसका कलर अलग है फ्रेंड्स। जैसे कि आप तूफान को ले लोगे या ACC को ले लोगे, तो ACC सीलिंग फैन में आपका जो वायर रहते हैं येलो कलर रहते हैं, ब्लू कलर रहते हैं और रेड कलर रहते हैं। लेकिन इसमें आप देख सकते हो फ्रेंड्स, यहाँ पर व्हाइट कलर है, ठीक है, व्हाइट कलर है, आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। और यहाँ पर ऑरेंज कलर है, ठीक है, और यहाँ पर रेड कलर है, ठीक है। तो आज मैं इस वायर के बारे में भी बताऊँगा कि इसका कनेक्शन के बारे में बताऊँगा कि ये जो कलर है ये कौन कौन सा वायर है, ये कहाँ पर लगना चाहिए, मैं सारा चीज़ बताऊँगा फ्रेंड्स। और फैन जो घूम नहीं रहा, तो इसका प्रॉब्लम आप देख सकते हो फ्रेंड्स, ये पूरा जाम हो चुका है, देख सकते हो, हाथ से जरा सा हिल भी नहीं रहा फ्रेंड्स। तो आज का जो वीडियो है बहुत ही अच्छा वीडियो होने वाला है, आप पूरा वीडियो को देखो। आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि इसमें क्या प्रॉब्लम है जिसके कारण ये जरा सा भी हिल नहीं रहा है, मतलब। तो आप देख सकते हो फ्रेंड्स, ये जरा सा भी हिल नहीं रहा है, इसको मैं हाथ से घुमाने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन ये हल्का सा भी हिल भी नहीं रहा, तो घूमेगा कैसे, ठीक है। तो आज मैं इस वीडियो में आपको दो चीज़ बताने वाला हूँ कि ये हिल नहीं रहा है, ये घूम नहीं रहा है, ये जाम क्यों हो गया है, तो इसे ठीक करके आपको दिखाने वाला हूँ। और इसका जो वायर का कलर है ये अलग कलर है, तो इसका कनेक्शन भी बताऊँगा फ्रेंड्स। तो आप वीडियो में बने रहिए, पूरा वीडियो को देखिए, तभी आपका समझ में आएगा फ्रेंड्स। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को दबा दीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तब हम इस जाम को ठीक करने के लिए फैन को खोलेंगे फ्रेंड्स। और देख सकते हो यहाँ पर एक नट है और यहाँ पर एक नट है और यहाँ पर एक नट है, तीनों नट को खोल लेंगे। खोलने के बाद ही हम इसको पूरा खोल पाएंगे और अंदर देखेंगे जाम क्यों है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पर देख रहे हो जो कनेक्शन है इसको हम ओपन कर लेंगे। और आपको कनेक्शन बता देते हैं कि ये जो कलर है कौन सा वायर किस चीज़ का है, मैं बताता हूँ। तो ये व्हाइट वायर को मैं पहले ओपन कर लेता हूँ फ्रेंड्स, और मैं आपको बताता हूँ कि कौन सा वायर है, ठीक है। तब देख सकते हो फ्रेंड्स, ये व्हाइट वायर जो है मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, और इसको मैंने ओपन कर लिया। और ये हुआ कॉमन तार, जो तूफान और ACC में जो रेड कलर के होते हैं, तो इसका व्हाइट कलर का जो वायर है आप देख सकते हो, इसको कॉमन माना जाता है। लेकिन तूफान और ACC का जो रेड कलर होते हैं उसका रेड कलर कॉमन होता है, लेकिन हैबेल्स का ये व्हाइट कलर कॉमन तार है, ठीक है, अब समझ चुके हो। अब मैं ये वाला तार को वायर करता हूँ। तो इस वाला तार आप देख सकते हो फ्रेंड्स, ये ऑरेंज कलर का है, ठीक है फ्रेंड्स। लेकिन तूफान और ACC में ये ब्लू कलर के रहते हैं, जो सिर्फ कॉन्डेंसर के साथ जुड़ा हुआ रहता है और किसी दूसरे के साथ नहीं कनेक्शन रहता है। तो ये सिर्फ कॉन्डेंसर के साथ जुड़ा हुआ आप देख सकते हो। तो ये हुआ ऑरेंज वाला तार, ऑरेंज वाला जो वायर है ये सिर्फ कॉन्डेंसर के साथ जुड़ा रहेगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब तीसरा वायर जो देख रहे हो यहाँ पर रेड वायर है फ्रेंड्स, तो ये कॉन्डेंसर के साथ जुड़ा हुआ है, जो हैबेल्स और सॉरी तूफान और ACC में ये येलो कलर के रहते हैं, लेकिन यहाँ पर रेड कलर है हैबेल्स में, तो ये है कॉन्डेंसर के साथ जुड़ा रहेगा और इनपुट लाइन के साथ भी जुड़ा रहेगा, ठीक है। तो ये भी कॉमन होते हैं, जो नेगेटिव और पॉजिटिव दो वायर आते हैं इनपुट लाइन, तो एक आपका व्हाइट कलर जो व्हाइट कलर का वायर है इसके साथ जुड़ा रहेगा, और एक वायर इसके साथ जुड़ा रहेगा जो कॉन्डेंसर के साथ, और रेड वायर जो जुड़ा हुआ है इसके साथ। तो चलिए हम इसको आपको कनेक्शन समझा दिया फ्रेंड्स। अब मैं इसको नट को ढीला करके मैं ढक्कन खोल के देखता हूँ कि इसके अंदर क्या है जिसके कारण ये जाम है। तो अब देख सकते हो फ्रेंड्स, मैंने तीनों नट को ओपन कर लिया, देख सकते हो। अब हम इस ढक्कन को ओपन करेंगे, ठीक है। तब पूरा वीडियो को देखो फ्रेंड्स, और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करना। चलिए हम इसको ओपन कर लेते हैं फटाफट, इस तरह से स्क्रू ड्राइवर की मदद से आपको ओपन कर लेना है फ्रेंड्स। देखिए किस तरह से आपको स्क्रू ड्राइवर डालना है अंदर, और धीरे धीरे इसको ओपन कर लेना है। तो फ्रेंड्स अब देख सकते हो मैंने इसको ओपन कर चुका हूँ, ठीक है। और इसमें आप देख सकते हो बहुत सारा कचरा पड़ा हुआ है इसमें, तो अब हम देखेंगे कहाँ से ये कचरा आ रहा है, ठीक है। तो ऐसे तो नीचे से स्लैब अच्छा लग रहा है, देख सकते हो कॉइल भी बढ़िया लग रहा है, कॉइल में कोई ख़राबी नहीं दिख रहा है। चलिए हम इसको बाहर निकालेंगे, उसके बाद ही हम पता कर पाएंगे कि ये कहाँ से कचरा आ रहा है और जाम क्यों हो चुका है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए इसको बाहर,
तो फ्रेंड्स ये बहुत ही जाम था जिसको हमको ठोकना पड़ा, इसको ठोक कर मैं इसको ओपन कर रहा हूँ क्योंकि ये बॉडी के साथ पूरा जाम हो चुका है फ्रेंड्स, इसलिए मैंने ठोका इसको। अब मैं इसको निकालता हूँ। चलिए फ्रेंड्स अब हम इसको निकाल लेते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हो फ्रेंड्स इसका जो बैरिंग है, इसका बैरिंग यहीं पर सेफ के साथ ये लगा रह गया क्योंकि ये ठोकने के बाद जो है बैरिंग ही निकल गया है यहाँ से, लेकिन ये बैरिंग सेफ से नहीं निकला। अब हम इसको घुमा कर देखते हैं, तो ये तो फ्री लग रहा है लेकिन ये जाम क्यों हो रहा था। चलिए हम इसको थोड़ा पोंछ लेते हैं फ्रेंड्स इस तरह से, और मैं सेफ को चेक करूँगा। तो ये सेफ तो बिल्कुल सही लग रहा है जो नीचे साइड है, ये यहाँ तो ठीक है। अब यहाँ पर सेफ हमको चेक करना है, और ये बैरिंग भी फ्री है फ्रेंड्स देख सकते हो, लेकिन यहाँ पर बहुत ही काली काली धूल आप देख रहे हो, जो गर्दा ऐसे इस टाइप का जो कुछ तो हुआ है, जो गर्दा गिरा है यहाँ पर। तो चलिए हम इस बैरिंग को निकालते हैं फ्रेंड्स। इस बैरिंग को कैसे निकालना है मैं अभी आपको दिखाते हैं। चलिए फ्रेंड्स इस तरह अगर बैरिंग अटक जाए तो इसमें से बैरिंग निकालते हैं हम, ठीक है। तो अब देख रहे हो यह हैवेल्स कंपनी का है, इसलिए इसका वायर जो है, इसका सिस्टम बहुत ही ख़राब है, इसलिए बार बार हमको वायर को इधर से निकालना पड़ता है एक बार करके। और जो तूफान एसीसी कंपनी का जो फैन होते हैं यहाँ पर कटा हुआ रहता है, जो वायर निकालना बहुत ही आसान होते हैं। चलिए हम इसको पहले वायर को निकाल लेते हैं। तो अब देख सकते हो फ्रेंड्स मैंने वायर को इधर से निकाल दिया, इसको निकालने के इस मशीन को लगाने के लिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर स्क्रू ड्राइवर अंदर डाल देंगे, देखिए इस तरह से मैंने डाल दिया। और फिर इसको हम धीरे धीरे घुमाएंगे, इसको टाइट करेंगे हम, और टाइट करेंगे तो धीरे धीरे ये बाहर निकल जाएगा। इस तरह से आपको टाइट करना है। तो अब सेप ढीला हो चुका है फ्रेंड्स, अब ये आसान तरीके से बाहर निकल जाएगा, लेकिन इसको हम बहुत ही मुश्किल से मशीन के द्वारा ढीला किया क्योंकि ये बहुत ही जाम हो चुका है। तब देख सकते हो फ्रेंड्स ये बहुत ढीला हो गया, अब आराम से ये बाहर निकल जाएगा। और यहाँ पर देख सकते हो ये सेप ख़राब होने के कारण ही इस तरह का प्रॉब्लम हो रहा था, जाम हो गया था फैन। तब हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, हम सेप को भी चेंज करेंगे और दोनों बैरिंग को चेंज करेंगे। अब देख रहे हो जो ऊपर वाला बैरिंग है और नीचे वाला जो बैरिंग है, दोनों बैरिंग को हम चेंज करेंगे और सेप को भी चेंज करेंगे, क्योंकि सेप ख़राब होने के बाद बैरिंग भी ख़राब हो जाते हैं फ्रेंड्स। तो हम तीनों को चेंज कर देंगे और उसके बाद हम देखेंगे कि फैन फ्री हो रहा है कि नहीं और घूम रहा है कि नहीं। तो सेप और बैरिंग चेंज करने से पहले हमको कॉइल चेक करना बहुत ही ज़रूरी है फ्रेंड्स। तो सबसे पहले हम कॉइल को चेक कर लेते हैं सीरीज लैम्प के द्वारा। अगर कॉइल चेक करना आपको नहीं आता है तो आप मेरे दूसरा वीडियो में देख सकते हो, और इस वीडियो में भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस तरह से कॉइल चेक करना है। तो मैंने एक सीरीज लैम्प लिया और मैं इस तीनों वायर को बारी बारी से इसका जो ओम्स है, कंटिन्यूटी है, मैं चेक करूँगा इसमें कि ये कॉइल सही है कि नहीं है, और बॉडी के साथ ये शॉर्ट तो नहीं हो गया है, ये भी मैं चेक करूँगा। उसके बाद ही मैं इसका बैरिंग और सेप चेंज करूँगा। तो चलिए फ्रेंड्स मैं चेक कर लेता हूँ कॉइल को। तो ये कॉइल देख सकते हो फ्रेंड्स, ये कॉइल सही बता रहा है, आपको देखने नहीं मिल रहा। चलिए हम बल्ब को थोड़ा आगे कर लेते हैं और आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप बल्ब की तरफ ध्यान से देखिए फ्रेंड्स, हल्का सा ग्लो हो रहा है, ठीक है। बल्ब फुल ग्लो नहीं होना चाहिए, अगर फुल ग्लो होगा तो कॉइल शॉर्ट है। तो ये हल्का सा ग्लो हो रहा है फ्रेंड्स, मतलब कॉइल सही है। अब इसका हम बॉडी भी चेक करके आपको बताते हैं कि बॉडी सही कि नहीं है। तब देख सकते हो बॉडी में भी कोई करंट नहीं है, बल्ब ग्लो नहीं हो रहा है, तो ये तो सही है फ्रेंड्स। चलिए हम फटाफट अब सेप को और बैरिंग, दोनों बैरिंग को हम चेंज कर लेते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद आपको चेक करके दिखा। तो फ्रेंड्स अब देख सकते हो मैंने सेप, इसका जो बैरिंग था मैंने चेंज कर दिया, और ये घूम नहीं रहा था, जाम था पूरा। तो आप देख सकते हो आप ये बिल्कुल फ्री हो चुका है फ्रेंड्स, ये बहुत ही अच्छा घूम रहा है। चलिए हम इसका कनेक्शन भी आपको करके दिखाते हैं फटाफट, और इसको घुमा कर दिखाते हैं कि ये घूमता है कि नहीं। अब देख सकते हो फ्रेंड्स जो सेप था पहले, उसका वायर नहीं निकालना मुश्किल था, और इसमें कटा हुआ है, तो ये निकल चुका है फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा सिस्टम हो चुका है ये। और चलिए फटाफट हम इसको कनेक्शन करके आपको दिखाते हैं और ये घूमता है कि नहीं देखता हूँ। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो ये व्हाइट वाला वायर, मैंने बोला था कि कॉमन वायर है, और ये दोनों वायर जो है कंडेंसर में जाके लगेगा। तो चलिए हम रेड वायर को यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने लगा दिया, कंडेंसर के साथ जोड़ दिया, ठीक है फ्रेंड्स। और दूसरा वायर जो है मैं ऑरेंज वायर के साथ जोड़ दिया, ठीक है। और आप देख सकते हो ये ऑरेंज वायर जो है मेन एसी वायर के साथ जुड़ेगा। चलिए हम आपको जोड़ कर दिखाते हैं।
तो मेन वायर जो है फ्रेंड्स, मैंने ये देख रहे हो ये 4 इंच वायर है, उसके साथ हम जोड़ दिया, ठीक है। और ये है कॉमन वायर जो वाइट वायर है, उसके साथ मेन वायर एक जोड़ दिया। चलिए अब हम इसे पावर देके आपको चेक कराते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं सीरीज लैंप के द्वारा ही मैं अभी पावर दूंगा, देख रही है सीरीज लैंप। और चलिए मैं इसको उठा लेता हूँ और देखता हूँ ये घूमता है कि नहीं। तब देख सकते हो फ्रेंड्स, ये घूम रहा है लेकिन ये उल्टा घूम रहा है फ्रेंड्स, इसका कनेक्शन उल्टा हो चुका है। चलिए हम इसको सीधा कर देते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि ये कनेक्शन में गलती है जिसके कारण ये उल्टा घूम रहा है। तो ये जो वायर आप देख रहे हो मैंने येलो वायर के साथ जोड़ा फ्रेंड्स, ये गलत कनेक्शन है, ठीक है, मैंने गलती किया, ये हैवेल्स का है इसलिए। तो इस रेड वायर के साथ ये वाला वायर जुड़ जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो मैंने रेड वायर के साथ जोड़ दिया, अब देखता हूँ मैं ये सीधा घूमता है कि नहीं, ठीक है। तो चलिए, तो अब देख सकते हो फ्रेंड्स, ये सीधा घूमना स्टार्ट हो गया, तो बहुत ही अच्छा घूम रहा है फ्रेंड्स, बिल्कुल सही हो चुका है। पहले जाम था और ज़रा सा भी फैन हिल नहीं रहा था। तो फ्रेंड्स, मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। थैंक यू सो मच।